आज कौन सी दास्तां हमारे गोश्तदार की जाएगी? जहाँ पना, आज हम हजूर को आबे हजात की कहानी सुनाते हैं। इस दास्तान में आपको सिर्फ दो ही बातें मिलेंगी। मोहब्बत ऐसी ताकत है कि हर दीवार गिरा देती है। दूसरी बात यह है कि चलने वाले एक न एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। हलम का बाप रुखसाना और शहरजाद, जरीना और रुखसाना की एक ही दिन बारात आई। इससे पहले कि और उसी कमरे में दाखिल होती, उन्हें सामरी जादूगर उठा ले गया। क्यों? क्योंकि उसे खूबसूरत लड़कियां उठा ले जाने की थी। क्या हुआ? सामरी जादूगर अपनी हवस के खातिर पहले जरीना की तरफ बढ़ा तो उसने खंजर से खुदकुशी कर ली। अब वो रुखसाना की तरफ बढ़ा। रुखसाना डरी, सहमी और चीख कर अपनों को पुकारने लगी। शैतान, तुम मिले दूर रहो। बेरहम इंसान, मुझ पे रहम कर। ये रहम क्या कम है कि सामरी तुझे अपनी मलिका बनाना चाहता है? दूर रहो, अगर मेरे नजदीक आया तो मैं दस लूंगी। हुस्न देने वाले ने हुस्न को रहम करना सिखाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। भाईजान, ये क्या हो रहा है भाईजान? कुछ नहीं, मैं तो ये चाहता था कि ये यहाँ खुश रहे, नाचे गाए और जिंदगी को जिंदगी समझकर गुजार दे। बताइए, ये सांप मुझे डस लेना चाहता है। न जाने ये खूबसूरत लड़कियाँ मुझसे इतनी डरती क्यों हैं? भाईजान आप जाइए, मैं इसे समझा लेती हूँ। बात हो, बात हो। दिल बड़ा करो, अगरचे वो मेरा भाई है मगर मैं तुम्हें भी अपनी बहन समझती हूँ। तुमसे पहले कई लड़कियां आईं और उन्होंने खुदकुशी कर ली मगर सामरी के हाथ न लगी। उनकी तरह मैं भी जान दे दूंगी। जिंदगी की कदर करो और जहां तक हो सके जीने की कोशिश करो। तुम सामरी को किसी ऐसी उलझन में डाल दो कि वो तुम्हारे करीब ही ना आ सके। सब परी, ये समझी है या मैं खुद इसे समझाऊं? भाईजान, ये हाथ जोड़ती है, सांप इसे रखकर रहम मांगती है। और तुम्हें रहम आ गया? क्या करूं, मेरे सीने में भी औरत का दिल है। अब मैं उस दिल से काम लूंगा जो मेरे सीने में है।